नमस्कार, हमें किशोर कलाकार स्वागत है आपका किशोर कलाकार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज स्टूडेंट हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे बीएफए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसका जो स्पेशलाइजेशन है स्टूडेंट्स वो है अप्लाइड आर्ट। और ये है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस टेस्ट, राइट। ये आपका इस साल कंडक्ट करा हुआ एंट्रेंस टेस्ट है और इसको आज हम ये जो हमारा सेट ए है पार्ट है सॉल्व करने वाले हैं। एंड येस, फॉर दोज हु आर न्यू टू आर यूट्यूब चैनल, उनके लिए आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। सो माई नेम इज़ मोहिनी किशोर एंड आई हैव डन माई बी एफ ए डिग्री इन आर्ट हिस्ट्री मेजर फ्रॉम कॉलेज ऑफ आर्ट। आफ्टर दैट स्टूडेंट आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री इन आर्ट हिस्ट्री मेजर फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड नेट 2 times इन आ रो इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। आफ्टर दैट आई हैव ऑल्सो क्रैक्ड गवर्नमेंट टीचिंग आर्ट एग्जामिनेशन इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। एंड येस, विथ हैविंग 3 years ऑफ टीचिंग आर्ट एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस इन आर्ट हिस्ट्री मेजर, आई एम हियर टू प्रोवाइड यू दी राइट गाइडेंस। तो चलिए स्टूडेंट अब जल्दी से शुरू करते हैं। एंड फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस सीरीज ऑफ आर बी एफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उनको मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैंशन करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट हमने यहाँ पर जितना भी आपका अप्लाइड आर्ट का ऑफिशियल जो हमारा सिलेबस है जो जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा रिलीज किया गया है, ये वो आपका ऑफिशियल सिलेबस है। बेसिकली आपके जो सेक्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। डिटेल आपकी आपको चाहिए इसके बारे में ज़्यादा तो आप हमारी डिटेल वाली वीडियो भी देख सकते हो। जो आपका वेटेज रहता है एग्जाम में क्वेश्चंस का स्टूडेंट, वो रहता है आपका 6:4 का, जिसमें 60 number का आपका प्रैक्टिकल होता है स्टूडेंट और 40 number का थ्योरी होता है। थ्योरी प्ले अ माइटल रोल, राइट। तो ये जो आपका मेजर रोल प्ले करता है थ्योरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप जल्दी से शुरू करते हैं। ऑल्सो किशोर कलाकार आपको थ्योरी की आर्ट क्लासेस जो है, सॉरी नॉट आर्ट क्लासेस बट येस, किशोर कलाकार आपको थ्योरी की क्लासेस देता है बीएफए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया स्टूडेंट की जो ब्लू पीरियड है वो किससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर आप जैसे कि फटाफट से ऑप्शन देख रहे हो, वैसे तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है बट स्टिल अब यहाँ पर एक एलिमिनेशन आप लगा सकते हो। आमिर खान जो है आपके फिल्म एक्टर है, हेनरी मातीस जो है आपके फोविज्म से रिलेटेड है और फोविज्म एक आर्ट मूवमेंट है जिसमें कोई पीरियड का कोई जिक्र ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, जो हमारी अमृता शेरगिल है ये आपकी ये लगा लो कि इंडो हंगेरियन आर्टिस्ट है, वुमेन आर्टिस्ट हैं, राइट। इनकी जो मदर थी वो हंगरी से थी और इनके पापा जो थे या फिर जो फादर थे वो इंडिया से थे, राइट। वो सिख फैमिली से बिलोंग करते थे। अब आप जैसे कि जानते हो कि ये जो पेब्लो पिकासो हैं, पेब्लो पिकासो इज़ नोन फॉर हिज क्यूबिस स्टाइल और ये एक तरह का मूवमेंट भी है, राइट। तो यहाँ पर आपको जितने भी वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए ना एग्जाम में, नंबर वन स्टूडेंट आपको टाइमलाइन का पता होना चाहिए। मैम ये टाइमलाइन क्या होती है, जितने भी आपके आर्ट मूवमेंट है, जितने भी आपके पीरियड है, उनको एक सीक्वेंस में लगाना, सो दैट इट एक्चुअली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और हमको ये भी पता चलता है कि जो आर्ट है उसका ओरिजिन किस तरह से हो रहा है, उसका विकास कैसे हो रहा है, कैसे टाइम के साथ लैंग्वेज बदल रही है चीज़ों की। तो ये जितने भी आर्ट मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, सो दैट आप एक नया आइडिया डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये पूरा सीक्वेंस चलता है आपका, फॉर एग्जाम्पल प्री हिस्टोरिक से लेकर बाइजेंटाइन, रेनेसा एंड देन आपका न्यू क्लासिसिज्म, राइट, फिर रियलिज्म, इंप्रेशनिज्म, आफ्टर दैट क्यूबिज्म। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो क्यूबिज्म, यहाँ पर जो आपके पैब्लो पिकासो हैं स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा रोल प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। उसके बाद स्टूडेंट अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितने भी आर्ट मूवमेंट है, कौन कौन से आर्ट मूवमेंट में कौन कौन से आर्टिस्ट जो हैं वो ग्रुप फॉर्म करते हुए नज़र आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस आर्टिस्ट हैं और उन्होंने कौन कौन से जो उनके काम हैं वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और इन कामों से रिलेटेड या तो इन आर्टिस्ट के स्पेशली काम का पिक्चर दे देगा, ठीक है, वो आपको एग्जामिनर पूछेगा जल्दी से बता दीजिए आइडेंटिफाई करके ये किसने बनाया है और ये जो आर्टवर्क है इनका लोकेशन क्या है और ये जो आर्टवर्क है उनका कैटेगरी क्या है। और अगर कैटेगरी पूछता है, वो कैटेगरी मीन्स स्कल्पचर है, पेंटिंग है, इंस्टॉलेशन है, कैटेगरी पूछता है, फिर उसके बाद वो उसका मटीरियल पूछेगा कि जो स्कल्पचर है वो मार्बल में है, टेराकोटा में है, ब्रॉन्ज में है, ये सारी चीज़ें भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। लोकेशन पूछ लेंगे कि मतलब कि कौन से म्यूजियम में या फिर गैलरी में डिस्प्लेड है, राइट।
तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो ये स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट हमसे पूछा गया है कि जल्दी से बता दीजिए कि जो आपके ऑथर हैं मालगुडी डेज के वो कौन से हैं, राइट? यस, लेट मी स्विच टू दिस स्लाइड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो मालगुडी डेज है, ये मेरा वन ऑफ दी फेवरेट, मतलब मेरे टाइम पे टीवी शो हुआ करता था, मेरा सीरियल हुआ करता था, बहुत मुझे फेवरेट, मेरे को बहुत पसंद था। और यहाँ पर मतलब कि एक बहुत ही खूबसूरत सी जो धुन सी आती थी, ठीक है, जब ये स्टार्ट होता था बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा आता था कि आर के नारायण ने जो है वो ये लिखा है, ठीक है, जो इसके ऑथर है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा ऑब्वियसली आर के नारायण होगा, बट एक है आपके आर के लक्ष्मण। ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों है ना भाई थे, ठीक है, और ये भले रिटन बाय इज नारायण जी हैं, आर के नारायण जी हैं, बट जो ये जितनी भी इलस्ट्रेशन देख रहे हो ना आप, ये जितनी भी स्केचिंग्स हैं, ये जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं, ये सारी बनाई थी आपके आर के लक्ष्मण जी ने। ये बहुत ही फेमस रिनाउंड कार्टूनिस्ट थे, ये भी आप याद रखना। ये द हिंदू पेपर में भी इनके कार्टून्स वगैरह छपते रहते थे। इन्होंने मैस्कॉट बनाया था, गट्टू था इनका एक फेवरेट मैस्कॉट था उसके लिए, मतलब एशियन पेंट के लिए बनाया था ये, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा, जल्दी से बता दीजिए कि अनवांटेड ईमेल होती हैं और जंक मेल होते हैं। बॉम्ब नहीं होगा, ट्रैश मतलब वो जिसमें मतलब कि हम अपनी सारी चीज़ वगैरह मतलब डिलीट कर देते हैं, वो ट्रैश में चली जाती है। उसके बाद बॉम्ब भी नहीं होगा, येस स्पैम इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप ईमेल वगैरह में भी जो है मतलब अब तो मोबाइल पे भी ऑप्शन आने लग गया है, हम स्पैम कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एक वेब ब्राउजर से रिलेटेड। देखो क्योंकि अप्लाइड आर्ट का है ना, तो फिर आपके ना डिजिटल मीडिया से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, क्योंकि आपका ये सारे कैंपेन वगैरह होते हैं अप्लाइड आर्ट में, ये सारा आपको काम करना पड़ेगा। आपकी फोटोग्राफी आ जाएगी, इलस्ट्रेशंस है, वीडियो है, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। लगभग 3 साल तक तो ये आपका मेन स्पेशलाइजेशन होगा और पहला जो फाउंडेशन होता है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि जल्दी से बता दीजिए कि ये जो ब्राउज़र है ये आपका डेवलप किया है गूगल ने। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी आपके ब्राउज़र है ना उनका थोड़ा सा आप लोगो देख लो, ठीक है। ये इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, इस बार उसने आपसे एग्जामिनर ने गूगल का पूछ लिया जो कि क्रोम का है, ठीक है, जो कि आपका क्रोम है। अब क्या पता एप्पल का पूछ ले नेक्स्ट टाइम, ठीक है, तो फिर उसके बाद मतलब कि एज पूछ ले आपसे, माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में कुछ पूछ ले। तो ये सब चीज़ें भी बहुत बेसिक है, ये आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट, राइट? उसके बाद अब हम देखेंगे, येस क्रोम वुड बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स, तो हम क्रोम पे टिक कर देंगे। उसके बाद हमसे फायरवॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिर ये बेसिकली एक आप ये लगा लो जो फायरवॉल होता है आपका, ये आपका एक सिक्योरिटी आप कह सकते हो कि इससे मतलब कि नेटवर्क, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। ये आपके जो पीसी होता है या फिर जो भी आपका वर्किंग स्टेशन होता है या फिर आप बोल सकते हो जो आपका नेटवर्क होता है, वहाँ पर ये आपको है ना एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। और ये जो होता है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बेस पर काम करता है, ठीक है। इट कैन बी लाइक योर सॉफ्टवेयर, इट कैन वर्क एज अ सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर एज वेल, ठीक है। तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पिक्चर, ये बस इस तरह से आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, कि इस तरह से ये काम करता है। दिस इज फायरवॉल, ये आपका नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये यहाँ से प्रोटेक्शन करता है। सो दैट मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ना रेड रेड चीज़ें, ये नाउ इट इज़ बींग रिस्ट्रिक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस, राइट, और फिर आपका सारा पॉजिटिव जा रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, इट्स अ गुड इलस्ट्रेशन, मुझे सच में बहुत अच्छे लगे, दैट्स व्हाई आई हैव एडिट हियर। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपके फेमस कवाली सिंगर हैं वो कौन से हैं। तो ये जो स्पेशली देखो, अब यहाँ पर ना एक बात नोटिस करने वाली है स्टूडेंट्स, वो ये है कि जो आपके आर्ट एंड कल्चर में ना बहुत सारे सेक्शन होते हैं, ठीक है, इसमें मतलब कि आपके सिनेमा से रिलेटेड, थिएटर से रिलेटेड, फोक आर्ट फॉर्म से रिलेटेड, क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेटेड, और आपके जो बहुत ही ज़्यादा फेमस आप ये बोल सकते हो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उनके जो प्लेयर्स होते हैं उससे रिलेटेड, एंड देन मतलब कि आपके कोई पेट्रियाटिक सॉन्ग हो गया, देशभक्ति का कोई गीत हो गया जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा हो, ठीक है, या फिर जो आपका कोई एम्बलम हो गया मतलब कि जो राष्ट्रीय प्रतीक हो गया या कुछ भी चीज़ें इस तरह की हो गई,
अगर उनका कोई कोटेशन है या फिर कुछ वर्ड्स हमने वहाँ से कैरी किए हुए हैं, उनका क्या मीनिंग है, उनका डिपिक्शन कहाँ आपको देखने को मिलता है, वो कहाँ से लिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल सत्यमेव जयते, ये आपका कौन से उपनिषद से लिया गया है. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ना इट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एग्जामिनर जो है आपकी बेसिक चीजें चेक करना चाहता है कि बच्चे ने स्कूल में जो चीजें हैं वो ठीक से पढ़ी हैं या फिर बंक मारा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए. एग्जामिनर को ना बस ये जानना है कि आप सिंसियर हो पढ़ाई को लेकर, मैं आपको एडमिशन दूंगा तो आप अच्छे से चीजों को लेकर चलोगे. ठीक है, तो बस इंस्टीट्यूशन आपसे यही चेक करने के लिए आपका जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है. अब यहाँ पर कवाली सिंगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया. आपके जो नुसरत फतेह अली खां हैं, ये बॉलीवुड में इतनी इनकी कवाली वगैरह चलती हैं, मतलब मेरी भी कुछ कुछ फेवरेट हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं आपकी. उसके बाद हमसे पूछा गया है मोहम्मद मकबूल फुदा हुसैन के लिए. ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया. लेकिन बिफोर जंपिंग ऑन टू दिस सेक्शन आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग हियर. ये देखो स्टूडेंट, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल जन गण मन, जो हमारा नेशनल एंथम है स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं कि इसको जो है किसने कंपोज किया था. तो बेसिकली इसको कंपोज किया गया था, ओरिजिनली ये बंगाली लैंग्वेज में था, बट लेटर ऑन फिर लिखा गया था, फिर लेटर ऑन जो मतलब कि ये हमारा नेशनल एंथम बन गया था. ठीक है, अब उसके बाद जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने ये कंपोज किया था. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि किसने कंपोज किया था. उसके अलावा जो आपका नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसके लिए पूछता है कि लिखा किसने था. तो ये बकीम चंद्र चैटर्जी ने लिखा हुआ था. अब देखो ये जो हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है, इसके नीचे हमेशा एक सत्यमेव जयते, इस तरह से कुछ सत्यमेव जयते ये कोटेशन रहता है. तो इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये कौन से उपनिषद से लिया गया है. तो फिर ये आपका मुंडको उपनिषद होता है, या फिर मतलब कि मुंडका उपनिषद भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये भी आप याद रखना. उसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. अभी तो आपसे कवाली सिंगर पूछ लिया है, अब हो सकता है कि आपसे ये वाले ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ना रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ. ये आपके एग्जाम में इस तरह के ही पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ही रिनाउंड और फेमस पर्सनैलिटी हैं. शहनाई वादक यानी कि शहनाई प्लेयर कौन है आपके, बिस्मिल्ला खां. ठीक है, हमने अपने स्कूल में पढ़ा था ये सब चीज़ें. उसके बाद उस्ताद जाकिर हुसैन, तबला वादक हैं ये, तबला प्लेयर है. इनको आपने टीवी पे एड्स में बहुत देखा होगा, चाय वाय की जो यूजुअली एड्स होती हैं, और जो आपके कुछ पेट्रियाटिक सॉन्ग्स होते हैं पहले मतलब काफ़ी आते थे. ठीक है, टीवी वगैरह पर. खैर अब तो मैंने काफ़ी सालों से टीवी देखना छोड़ दिया है, अभी मुझे इतना रीसेंट का नहीं पता है, टीवी में इनकी एड्स का इतना ज़्यादा नहीं पता है. बट हाँ, यूजुअली पहले बहुत इनका एड चलता था, और अगर कोई देशभक्ति का कोई मतलब कि कुछ गीत वगैरह होता था उसमें ये पार्टिसिपेट करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आते थे. ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे कि अब संतूर का हो गया पंडित शिव कुमार शर्मा जी हो गया, सरोद के हो गए अमजद अली खान जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट ही लगाए हैं. अब इनको तरीका पढ़ने का यही होता है कि हमको जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना है, वरना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स वो बहुत ज़्यादा रिनाउंड बहुत ही ज़्यादा है, 100 से भी ऊपर है. अब आप बैठ जाओ फिर रटते रहो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, और वैसे भी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कुछ इस तरह से काम करता है स्टूडेंट, कि वो है ना बहुत जल्दी हमारी मेमोरी में से ना चीज़ें निकालता रहता है, वो नई चीज़ें बहुत जल्दी ऐड करता है. तो इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ये ऐसी चीज़ों को रटने में, रिटेन रखने में. ठीक है, तो मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी इस वाली चीज़ से निकल चुकी हूँ. मैंने भी जब अपने एंट्रेंस टेस्ट दिए थे तो मैंने बहुत चीज़ें फेस की हैं, तो फिर मैं इसीलिए आपके लिए जो है चीज़ें और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई तरीके से प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे. ये इंपॉर्टेंट है, आप ये कर लो इस वाले सेक्शन में. ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट अब हम देखते हैं, यस ये जो हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कथक बेटा आपका यूपी से है, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों आपके केरला से है, उड़ीसी एज द नेम सजेस्ट उड़ीसा से है. उसके बाद जो कुचिपुड़ी है ये आपका अरुणाचल प्रदेश से है, भरतनाट्यम स्टूडेंट आपका तमिलनाडु से है, सत्रिय आपका असम से है, और ये मणिपुरी तो भाई मणिपुर से ही होगा. ठीक है, ये मतलब मैंने अपने टाइम से जब मैं पढ़ती थी मुझे ये इजीली याद नहीं होते थे. ठीक है, तो मैं क्या करती थी, मैंने मतलब कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक निकाला था कि देखो उड़ीसी है
तो उड़ीसा से होगा, मणिपुरी है तो मणिपुर से होगा, ओके ठीक है। अब ये जो कथकली है और जो मोहिनी अट्टम है, सिंस माय नेम इज मोहिनी तो मैं इस तरह से याद करती थी कि आई एम फ्रॉम केरला, ठीक है। और कथकली मतलब कि यहाँ पर इसका भी मैं मतलब कि एक वो ले लेती थी, कॉनोटेशन ले लेती थी और इसको मैं ना पेयर में कर लेती थी कि मैं जो हूँ मैं कथकली हूँ, ठीक है। मैं इस तरह से अपने दिमाग में ऐसे करके याद रखती थी कि मोहिनी कथकली है, ठीक है, और वो दोनों कहाँ पर हैं, वो केरला में है बस। उसके बाद मेरे को बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ जो है, ये कथक का तो मुझे ऑलरेडी पहले से पता था कि जो कथक का जो इनके घराने वगैरह चलते हैं ना, ये आपके मतलब कि उत्तर प्रदेश में ही चलते हैं, इसका मुझे पता था। तो मेरे है ना पांच तो ऐसे ही मुझे याद हो गए थे। उसके अलावा ये जो है, मैंने इसको भरतनाट्यम को इस तरह से याद किया था कि जो भारत है वो आपका सारा का सारा तमिलनाडु में है, ठीक है। जो भारत है वो सारा तमिलनाडु में जाकर बस गया है, तो भरतनाट्यम मतलब तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद अब ये जो आपका कुचिपुड़ी है और जो आपका सत्रिया है, सत्रिया सत्रिया सत्रिया, ये मतलब मैंने आसाम से इसको मैंने रटा था जब मैं आपके टाइम पे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी कि जो सत्तू बहुत ज़्यादा पीते हैं असम वाले लोग, इस तरह से मैंने ऐसे करके कुछ रट्टा मारा था। उसके बाद जो कुचिपुड़ी है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो मैंने अपने दिमाग में ये आइडिया लगाया था कि सबसे पहले ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है ना कुचिपुड़ी डांस बहुत ज़्यादा फेमस है। इस तरह के ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स निकाल के मैंने इनको लर्न किया था और मुझे आज तक याद है, मतलब ये मैंने ट्रिक लगाई थी, ऑलमोस्ट मुझे 2 या 3 मिनट लगे थे इस ट्रिक को बनाने में और मुझे ये आज तक याद है। तो आप ना कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम में इस तरह के कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो बच्चे यूजुअली कन्फ्यूज हो जाते हैं और फिर आते हैं कि मैम मतलब कि मुझे इसका आंसर पता था, मैं गलत करके आ गया, मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था, दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो रहा था। तो बेटा इस तरह से आपको चीज़ें लेकर चलनी है, क्योंकि ये अगर फोक आर्ट फॉर्म आएगी या फिर क्लासिकल फॉर्म से कोई क्वेश्चन पूछेगा, बेटा इस स्लाइड में से देगा ही देगा, ये बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो ये सब भी आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बेटा अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, हमसे एम एफ हुसैन साहब जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इनकी है ना फुल फॉर्म है मकबूल फिदा हुसैन, ये भी आप स्टूडेंट याद रखना। इन्होंने बोला है कि मतलब कि इन्होंने अपने काम के अंदर ना एक एनिमल को बहुत ज़्यादा मात्रा में डिपिक्ट किया है और वो ना उससे प्रेजेंट करते हैं एक लाइवली और फ्री स्पिरिट, ठीक है, अपनी फ्री स्पिरिट और को मतलब कि एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एनिमल, ठीक है। अब उस एनिमल का नाम बता दो। अब ये जो आपके एम एफ हुसैन जी हैं, इनकी पेंटिंग्स में आपको सबसे ज़्यादा जो है हॉर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये हॉर्स जो होता है ना, वो एक गति को, एक फोर्स को, एक एनर्जी को सिंबलाइज करता है। और आपको पता भी होगा एक 7 हॉर्स का भी कॉन्सेप्ट चलता है। यूजुअली लोग घरों के अंदर मतलब कि 7 घोड़े वाली ऐसा कुछ पेंटिंग वगैरह भी मतलब कि पॉजिटिविटी के लिए लगाते हैं, ठीक है। और मतलब सच बताऊँ इसका मार्केट में बिजनेस है, बिकता भी है, काम बहुत जल्दी बिकता है अगर आप ये मतलब कि यूजुअली, क्योंकि मतलब कि मार्केट ना बहुत बड़ा है, आपके बायर्स का ना मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यूजुअली जो थोड़ा इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पेंटिंग्स में, बस मतलब कि उनको थोड़ी सी आइकनोग्राफी पता होती है और उसके पीछे आइडिया पता होता है, तो इस तरह के बायर भी मार्केट में बहुत होते हैं, वो इस वाले कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख कर काम खरीदते हैं आर्टिस्ट का कि हाँ हमको हॉर्स पेंटिंग चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये देखो ये ना आपके बेसिक, ये तीनों जो है ना आपके बेसिक क्वेश्चन है जो यूजुअली हम अपनी साइंस की बुक्स में पढ़ा करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछ लिया गया है कि जो कैल्शियम है चिल्ड्रन के अंदर, मतलब कि किस डेफिशिएंसी, मतलब कि आपकी जो डेफिशिएंसी हो जाती है अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की, तो उसकी वजह से आपको कौन सा डिजीज हो जाता है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पर मतलब कि ये बहुत बेसिक चीज़ें थी, बस मैंने सच बताऊँ टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर ना आपके लिए बस एक रिवीजन के लिए मैंने स्लाइड ऐड की है, सो दैट आपका ना एक रिवीजन हो जाए, बाकी ये सब आपको पता ही होंगी चीज़ें बहुत बेसिक सी हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से स्टूडेंट विजन लॉस की प्रॉब्लम आ जाती है, विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी हो जाता है, सी की वजह से स्कर्वी हो जाता है, डी की वजह से रिकेट हो जाता है, कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से आपकी जो बोन्स है और जो आपके टूथ है उसमें डिके हो जाता है, गोइटर होता है आपका आयोडीन की कमी से, और अनीमिया होता है आपका आयरन की कमी से। तो ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, बस आपको मैंने ये रिवीजन के लिए डाला हुआ था ये वाला स्लाइड कि ये देखो यहाँ पर ये हो गया आपके विटामिन बी और सी, ये पानी में घुल जाते हैं
और ये जो होते हैं आपके विटामिन ए डी ई के, ये सारे आपके वसा में होते हैं, ठीक है, या फिर फैट में होते हैं। ये आपको दूध में मिल जाएंगे, ठीक है, विटामिन ए एंड ऑल, चीज़ में मिल जाएगा आपका, जो आप वो खाते हो ना, तेल खाते हो, उसके अंदर ये सारे मिलते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ लाइक वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो विटामिन सी हो जाएगा। और यार देखो, वैसे भी जो विटामिन सी होता है ना, वो आपको फ्रूट्स वगैरह में मिलता है, ठीक है, ताज़े फल और सब्जियों में मिलता है। प्लांट प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज किस प्रोसेस के थ्रू? ऑब्वियसली बात है, फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है आपको, मतलब कि क्या बोलूँ मैं, मतलब कि कुछ अलग ही तरह का, मतलब कि आपसे ने यहाँ पे अब इंग्लिश का सेंटेंस आपको दे दिया है, आपका बस थोड़ा सा मतलब कि सेंस वो देखना चाहता है, कि वो कैब आपकी बेसिकली चेक करना चाहता है कि आप चीज़ों को सही जगह प्लेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पीपल हैव बिकम डैश अंडर द बर्डन ऑफ हैवी टैक्सेस, रेकलेस नहीं होंगे, रेकलेस ड्राइविंग होती है। आइसोलेटेड मतलब होता है, जैसे कि हम आइसोलेट कर देते हैं, अकेले हो जाते हैं, या फिर अपने आप को अकेले बंद कर लेते हैं, या फिर मतलब कि बहुत, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लोनलीनेस काइंड ऑफ थिंग है आइसोलेशन, मतलब कि आप एक कमरे में अपने आप को अलग कर रहे हो सबसे। जैसे कि अभी COVID-19 हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को आइसोलेशन में रखा गया था, मतलब कि वो किसी से मिल नहीं सकते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते, मतलब वो किसी के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, ठीक है। पनिश्ड क्यों होंगे भाई, हैवी टैक्स हो गया है तो ऑब्वियसली बात है परेशान होंगे लोग। तो यहाँ पर इम्पेशेंट वुड बी द राइट आंसर। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और बेसिकली अगर बोले तो एवरेज है पेपर का लेवल जो है वो एवरेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इट इज़ अप टू यू, आप कितनी मेहनत करके जाते हो, कितनी चीज़ें समझ के जाते हो, पढ़ के जाते हो। देखो 40 मार्क्स ना बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करता है, मैं सच बता रही हूँ, अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है। वैसे लिमिटेड सीटें होती हैं, तो इसी वजह से ना थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है BFA में, और BFA में ज़्यादा कॉलेजेस हैं भी नहीं ज़्यादा अप्लाई करने के लिए ना बहुत। अब बाकी सारे कॉलेजेस का ये रहता है ना, कुछ कॉमन कोर्सेज रहते हैं, लगभग हर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है, लेकिन BFA के गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम होते हैं, इसलिए थोड़ा कॉम्पिटिशन आपका रहता है स्टूडेंट्स। उसके अलावा यहाँ पर हम किशोर कलाकार आपको BFA थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, स्टूडेंट लाइव क्लासेस मिलती हैं, डाउट सेशन होते हैं, आपके मॉक टेस्ट, हर क्लास के बाद आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं आपके सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस, यस नोट्स भी आपको प्रोवाइड स्टूडेंट करवाए जाते हैं। ये दीज आर सम ऑफ आर रिजल्ट्स एंड यस, अगर आपको हमारी जो क्लासेस हैं वो अगर आपको ज्वाइन करनी है, तो डू वन थिंग, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उस गूगल फॉर्म को फिल करना है और सबमिट कर देना है बस। जैसे ही आप उसके अंदर, आपको बेसिक डिटेल डालनी होगी, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, कौन से मीडियम में आप क्लास लेना चाहते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लासेस अवेलेबल हैं, बस ये छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं, आप उसको फिल आउट कीजिए, सबमिट कर दीजिए बस। जैसे ही आप सबमिट करोगे, उसके बाद हमारे कोर्स की सारी डिटेल्स आपके पास पहुंच जाएगी, और जैसे ही आप उस प्रोसेस को पूरा करते हो, बस हमारी क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा और आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत इजी स्टेप है। उसके अलावा स्टूडेंट, ये जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है आपके जितने भी हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, वो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, आप वहाँ पर जाएँ और डाउनलोड कर लीजिए, और उनको एनालाइज भी करना है, अटेम्प्ट करो, उनको पता चले आपका कितना स्कोर आ रहा है, आप कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हो। किशोर कलाकार की तरफ से आपको एक फ्री मॉक भी दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसको अटेम्प्ट करें, और उससे आपको पता चलेगा कि अभी आपको कितनी और तैयारी करनी है। एंड यस स्टूडेंट, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।